नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआरटीवी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें। ऐसे व्यक्ति जिन्हें मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर है, उन्होंने लीवर फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए। आइए जानते हैं लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर विवेक वीच से। तो सबसे पहले तो कोई प्रॉब्लम है उसको रियलाइज करना पड़ेगा। सबको पता होना चाहिए कि फैटी लिवर डिजीज हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, जिनको लगता है कि वो थोड़े से मोटे हैं, उनको ब्लड प्रेशर है, उनको शुगर है, वो एटलीस्ट अपने एक लीवर के टेस्ट कराएं, लीवर फंक्शन टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड कराएं, जिससे कि काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है फैटी लिवर डिजीज है कि नहीं है। और अगर फैटी लिवर डिजीज है तो उसकी ट्रीटमेंट जो है, सबसे कारगर जो ट्रीटमेंट है, सबसे अच्छी ट्रीटमेंट जो है, वो लाइफस्टाइल चेंज है और अपने मोटापे को कम करना, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, अपने शुगर को। बाकी कोई खास दवाइयां नहीं है, कुछ दो तीन दवाइयां होती हैं, वो डॉक्टर की कंसल्टेशन से ही लेनी चाहिए, जैसे कि विटामिन ई होता है, फिश ऑयल होता है, तो वो हम देखते हैं किस पेशेंट को चाहिए किसको नहीं चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना है कि मोटापे को कम करना। सर दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, आजकल लीन नैश भी है। लीन नैश का मतलब है पतले लोगों को भी लिवर में फैट इकट्ठा हो रहा है, ये जेनेटिक डिजीज भी है, तो इसको हमें डॉक्टर की कंसल्टेशन से ठीक करना। सर लीवर जब डैमेज होता है कैसे पता चलता है और क्या उसकी जानकारी? लीवर सबसे इंपॉर्टेंट है, लीवर एक बहुत बड़ा ऑर्गन है। जब ये धीरे धीरे डैमेज हो जाता है हमें बॉडी में नहीं पता लगता, पर जब एक स्टेज के बाद 70-80% डैमेज हो चुकी है इसकी, उसके बाद सडनली इसके सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि जॉन्डिस, पीलिया होना, पेट में पानी इकट्ठा होना, लेग्स में स्वेलिंग होना, मेमोरी का लॉस होना, खून की उल्टी आना, काले कलर के स्टूल आना, ये सारे सिम्टम्स हैं लिवर डिजीज के। हाथ कांपना, कमजोरी होना, मसल लॉस होना, वेट लॉस होना, सो ये सारे सिम्टम्स हैं जो एक स्टेज के बाद। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट चलते फिरते अपना एक रूटीन चेकअप लीवर फंक्शन टेस्ट का और एक अल्ट्रासाउंड करवा लें, तो आपको समझ लग जाएगी कि आपका लीवर ठीक है। सर ट्रांसप्लांट जो करते हैं लीवर का, उसका सक्सेस रेट क्या होता है? ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट आज, क्योंकि हमने 40s में करीब 1500 ट्रांसप्लांट किए, अगर उसी डेटा को हम देखें तो हमारा सक्सेस रेट 97% है हॉस्पिटल में, और 20 साल का सक्सेस रेट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 70-75%। लीवर रिसिपिएंट्स को किस प्रकार का पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट होना चाहिए? बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट मैनेजमेंट होता है हॉस्पिटल में, 2-3 हफ्ते रहते हैं पेशेंट, उनको बड़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, दवाइयों की, सपोर्ट की, डायलिसिस की कई बार ज़रूरत पड़ती है, कई बार रेडियोलॉजी के थ्रू उनके जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं उसको ओपन करना पड़ता है। सो ये सारे इश्यूज़ होते हैं जो कि एक ट्रेन टीम ही कर सकती है, कोई नया बंदा नहीं कर सकता।